जी हाँ दोस्तों, वो स्टूडेंट जो अप्रैल और मई में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक अपडेट है, तो आप इस अपडेट को देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे हैं। बात यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं आज की सबसे पहली बात कि अभी जो प्रैक्टिकल होने हैं तो वो प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होंगे, कब खत्म होंगे, साथ ही साथ में इनका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट जारी हो गया है या जारी होना है और कब तक स्टूडेंट्स को वो हॉल टिकट मिल पाएगा। कई स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हैं पीसीपी के हॉल टिकट को लेकर। पीसीपी एक पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है जो अलग जो है एनओएस ने स्टडी सेंटर्स पे चलाया था, वो जो है अलग चीज है और प्रैक्टिकल आपका अलग चीज है। कई स्टूडेंट्स को असाइनमेंट में ही कंफ्यूजन है कि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल एक ही होता है। जी नहीं, प्रैक्टिकल एक आपके सेपरेट एग्जाम्स हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स में होते हैं, तो उन मेन सब्जेक्ट्स का आपका जो है प्रैक्टिकल देना पड़ता है। आज हमारे इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होंगे, कब खत्म होंगे, हॉल टिकट आपको कब तक मिलेगा, ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि अभी मेन मुद्दा आप लोगों का यही है, मेन जो कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है वो इसी का है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस गुजारिश है कि अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आप पुराने हो तो लाइक शेयर करिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गुसाई एनआईएस एक्सपर्ट। तो स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो हम लोगों ने डेट शीट अभी आई थी कुछ टाइम पहले जो प्रैक्टिकल को एग्जाम को लेकर थी एनआईएस के स्टूडेंट को, तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट भी अभी आपको दूंगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 14 मार्च से स्टार्ट है। जी हाँ, 14 मार्च 2022 से स्टार्ट है और जो आपके 26 मार्च 2022 तक चलेंगे। इसमें सेपरेट सेपरेट डेट दे दी गई है अलग अलग क्लास के लिए, तो मैं एक बार आपको पहले ये डिटेल बता दूं, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मैं बात कर रहा हूं कि 14 मार्च से लेकर 19 मार्च तक सीनियर सेकेंडरी क्लास के कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है, तो आप नोट कर लीजिए, होम साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो 14 मार्च से लेकर 19 मार्च तक सीनियर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट के होने जा रहे हैं। और इसी तारीख में 14 मार्च से लेकर 19 मार्च तक जो क्लास 10th के यानी कि सेकेंडरी के प्रैक्टिकल एग्जाम है वो तीन सब्जेक्ट के हैं, एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक आपका आ गया होम साइंस और एक आपका आ गया कार्नेटिक संगीत। ये तीन सब्जेक्ट के आपके 14 मार्च से लेकर 19 मार्च तक होंगे। फिर बात करते हैं एक दिन का, यहाँ पे जो है छुट्टी दिखाया गया है 20 मार्च को, उसके बाद 21 मार्च से लेकर 26 मार्च तक के बीच में फिर प्रैक्टिकल होने हैं, और जो क्लास 12 के प्रैक्टिकल होने हैं वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सब के प्रैक्टिकल आपके 21 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में होने हैं। उधर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो 21 मार्च से 26 मार्च के बीच में जो सेकेंडरी के प्रैक्टिकल एग्जाम है वो हैं पेंटिंग, मैथ्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये आपके जो है प्रैक्टिकल के डेट है, जब जब जो है प्रैक्टिकल होना है। स्टूडेंट एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जैसे डेट दिया हुआ है 14 से लेकर 19 तक, बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि हम जब मर्जी जाकर जो है इस बीच में अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको बताऊं जी नहीं, आपका जो भी अभी सेंटर आपका अलॉट होगा प्रैक्टिकल के लिए उस सेंटर में आपको एग्जाम से पहले ही कुछ एक दो दिन पहले विजिट करना पड़ेगा। उनके या तो गेट में ही नोटिस लगा दिया जाता है या फिर आप अंदर स्कूल में जाके कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किस दिन है 14 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बोलोगे इन 5 दिन में हम कभी भी चले जाए, ऐसा नहीं होता है। वहां पे एक नोटिस जरूर लगा होगा, एक टाइम टेबल उनका लगा होगा, आप चाहे तो उसको फोटो खींच के अपने पास मोबाइल में रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा सकते हैं। और मैं सभी स्टूडेंट को यहाँ पे सावधान करना चाहता हूँ कि जरूर जाइए एक या दो दिन पहले अपने जो है प्रैक्टिकल वाले सेंटर पे और वहां जाके देखिए कि कब मेरा जो है एग्जाम होना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा है कि 14 तारीख को अगर कोई एग्जाम निकल गया और आप 16 को देने जा रहे हैं तो उस वक्त स्टडी सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो साफ मना कर देते हैं अब हमारे यहाँ से प्रैक्टिकल हो गया है, इसका प्रैक्टिकल अब नहीं होगा आपका, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा दिया जाता है और जिसके कारण आप उस सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। छोटी सी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि
अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट, तो प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट है अभी तक भी एनआईएस ने जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से अब ये बात हो चुकी है कि हमको एनआईएस वाले जो प्रैक्टिकल के एग्जाम लेंगे वो 14 तारीख से निश्चित रूप से होंगे, तो इसके लिए जो आपका हॉल टिकट है ये मान के चलिए आपके मार्च के फर्स्ट वीक में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में ये जरूर अलॉट हो जाएगा, जरूर इश्यू हो जाएगा, और तब आपको वो प्रैक्टिकल का हॉल टिकट भी मिल जाएगा और तब आपको सेंटर भी अलॉट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ख्याल रखिए बिल्कुल तरीके से कब कब आपका प्रैक्टिकल होना है, और कोई आपके पास फेक डेट शीट ना पहुंच जाए इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से, उस चीज का भी ख्याल रखिए, हमेशा क्रॉस चेक करिए। ऑथेंटिक रूप से वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे थ्रू जो ले रहे हैं, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है आपको एक सही मार्कशीट या सही डेट शीट को जो है प्रोवाइड कराना, तो इसलिए जो है ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सॉल्व प्रैक्टिकल 5 का अगर पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, आपको जो है सिर्फ उसे देख के कॉपी करके बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स अगर बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं है, अभी वो कहीं बाहर है और स्पेशली उसी वक्त उन्होंने आना है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो सॉल्व प्रैक्टिकल हैंड रिटन 5 भी आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको वो सब कुछ अवेलेबल करा दिया है हमने जिस चीज की एनआईएस के हर स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा चैनल है और हमारा मकसद यहाँ पर यही है कि आपको सही इंफॉर्मेशन देते रहें और सही जानकारी प्रोवाइड करते रहें समय समय पे, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। तो एनआईएस के मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चले जाइए और देखिए वहां पर आपके काम की क्या चीज है, उसको जरूर लीजिए वहां से, और ताकि आप अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर सके। इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए VCIC गुरुजी में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।